सुसंगत होकर के शस्त्र उठाना हमारा परम कर्तव्य है। माना कि किताब और कलम में बहुत दम है, लेकिन मानो वहीं पर शस्त्रों की भी आवश्यकता है कि कलम में के साथ क्या लिखना है। मेरे दो कवि मौजूद हैं, एक महामंडलेश्वर होने के नाते, एक सनातन की ऐसी पदवी होने के नाते, मैं आज आप दोनों से, अशोक अंजुम जी से, कवि वेद प्रकाश मणि जी से, भाई साहब से निवेदन कर रही हूँ कि जिस तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन चल रहा है कुछ कम्युनिस्टवादियों द्वारा, जिस तरीके से हमारी भावनाओं को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हमारे आत्मरक्षा के भाव को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, सनातन धर्मार्थ किए जाने वाले सैनिकीकरण को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण, ये नारा वीर सावरकर जी ने दिया था और अखिल भारत हिंदू महासभा के आप मुख्य पदाधिकारी थे और मैं उसकी राष्ट्रीय सचिव हूं। उसके नाते यदि सैनिकीकरण की अपील करना कहां का अधर्म है, ये फैसला आप साहित्यकार लोग करके दीजिए, आप साहित्यकार लोग करके दीजिए, क्योंकि अब आपकी आवश्यकता है। हमने तो सीधे शब्दों में कह दिया, उन शब्दों को तोड़ मरोड़ के जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु तो मुझे विश्वास है माँ बगलामुखी यज्ञ बेदी के सामने खड़ी हूँ, मुझे जिंदा जला दिया जाए, इस बेदी में आहुति देने को तैयार हूँ देवी माता की तरीके से। यदि धर्म में मेरे कहीं खोट हो, अगर कहीं खोट हो इस बात में कि मैं निर्दोष को मारने की बात करती हूँ, नहीं, मैं सिर्फ अपने बच्चों को सैनिक बनाना चाहती हूँ, मैं अपनी माताओं बहनों को देवी के रूप में देना चाहती हूँ और उनको वही सम्मान दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये सीता की धरती है, ये राधा की धरती है, ये भगवान राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, ब्रजभूमि में बैठे हैं, कृष्ण सम्मत है यहाँ पर, तो उन्होंने बड़ा रुक्मणी की भी धरती यहाँ पर है। तो बस मेरा आह्वान यही है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस ने भी एक सेना बनाई थी, है ना महाराज जी, एक सेना बनाई थी, तो यह धर्म संसद कुछ और नहीं, कुछ ऐसा ही मान लीजिए कि नए टेक्नोलॉजिकल टर्म में कह दीजिए कि जिहाद और अधर्म से लड़ने वाली सैनिकों की एकजुटता है, और इस एकजुटता पर जो भी आघात कर रहे हैं जो लोग, मेरा वचनबद्धता है महाराज जी कि हम लोगों को वो झुका नहीं पाएंगे, हमारा सत्य सामने आएगा। मेरा मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, अरे आप तो सुन रहे हैं ना, प्रत्यक्षदर्शी है ना कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज केवल सेना ही जरूरी नहीं है, आज हमें भी सैनिक बन करके धर्म को आगे बढ़ाना है और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना है, संतों को आगे लाना है, और यही इस धर्म संसद का विषय रखा गया था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि राजनीति में संतों की भूमिका, इस बार की धर्म संसद का विषय ये था। तो बस छोटा सा आह्वान है, चूंकि धर्म संसद तो नहीं हुई, लेकिन एक मैसेज जो हम देना चाहते थे वो ये कि जिस तरीके से महिला आरक्षण की बात होती है राजनीति में, जिस तरीके से जाति के नाम पर बांटकर जातिगत आरक्षण की जाती है सीटें, उस तरीके से ये गलत है, क्योंकि ये बंटवारा करते हैं, ये मानसिक एक बंटवारा हो चुका है, इस पर भी हमें सिस्टम को ध्यान देना चाहिए। वहीं पर बहुत आवश्यक है कि किसी भी राजा को युद्ध लड़ने के लिए गुरु की आवश्यकता रही है, एक राजगुरु जो सही तरीके से आपको मार्ग प्रशस्त कर सके विषम परिस्थितियों में। तो ऐसे में एक नया राजगुरु का पद संवैधानिक रूप से सुशोभित किया जाना चाहिए और संतों की भूमिका राजनीति में सक्रिय करनी चाहिए, ताकि वहां के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन पर लगाम कसी जा सके और भारत की अखंडता को, भारत जो विश्वगुरु था उसको विश्वगुरु बनाए रहने में एक नया आयाम हो, और संतों को अब संतों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए, संतों के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व करके उनको सदन में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि योगी है तो मुमकिन है। तो मैं योगी जी के लिए संत के रूप में उनके साथ हूं, कहीं मेरी दलगत राजनीति से सुना जोड़ा जाए, मगर एक संत की आवश्यकता है, एक ऐसे निडर संत की आवश्यकता है जो सत्य को सत्य कह सके कि हम वो कलम नहीं है जो बिक जाती है दरबारों में, हम वो कलम नहीं है जो बिक जाती है दर...
दरबारों में हम कागज की दीपशिखा है अंधियारे चौबारों में, हम कागज की दीपशिखा है अंधियारे चौबारों में, हम वाणी के राजदूत हैं, सच पर मरने वाले हैं और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है, क्या मामला है? नहीं, कार्यक्रम तो सुनियोजित है। माँ बगलामुखी का महायज्ञ 14 तारीख को मकर संक्रांति से हमारे यहाँ दान पुण्य और यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि 22 और 23 में कल पूर्णाहुति थी और पूर्णाहुति के बाद 24 घंटे तक हमारे यहाँ लगातार भंडारा प्रसाद चलता है और चैरिटी तो उसी दिन से प्रारंभ हो गई है। तो ये आज जो है पूर्णाहुति का आयोजन है कार्यक्रम का। 22 23 को एक धर्म संसद भी यहाँ पर प्री अनाउंस्ड थी जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो वो हमारी कोर कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है धर्म संसद की, आप हरिद्वार से चल करके आए हैं। 23 तारीख को इस बात का था कि हम लोग डिसाइड करेंगे कोर कमेटी प्रॉपर बैठक लेकर के कि अग्रिम तारीख कौन सी होगी अलीगढ़ की धर्म संसद की। तो वो अभी हम लोगों ने डिसाइड कर दिया है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमें आदेश हुआ है हमारी सारी कोर कमेटी की मीटिंग के बाद। हमारे महाराज जी, हमारे जो भी पदाधिकारी हैं और महाराज जी ये संदेशा लेकर के आए हैं और आप लोगों के समक्ष इसीलिए उपस्थित हैं कि अप्रैल की फर्स्ट वीक में हमारी धर्म संसद होगी। और साथ में हम संदेश ये देना चाहते हैं कि योगी जी एक संत हैं और संत होने के नाते जो है उनका दोबारा उत्तर प्रदेश में आना अति आवश्यक है, और एक संत की भूमिका में हम उनके पूरी तरीके से साथ में हैं। और माँ बगलामुखी यज्ञ से हमने दो ही चीज़ मांगी है, हमारे यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, हमारे भाई जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी जो कि इस समय पुलिस कस्टडी में है। संविधान और कानून जो है हमें उस पर पूरा विश्वास है, और पूर्ण विश्वास ये भी है कि जिन धाराओं के तहत है अब उन्हें बाहर आ जाना चाहिए, वो जल्दी से जल्दी बाहर आए। और दूसरा हमने माँ बगलामुखी से यही मांगा है कि हमारे योगी जी जो है बहुत जल्दी दोबारा से शपथ ग्रहण करें। इसी के साथ जो है हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और कुछ आप पूछना चाहते हैं।